तो स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले सिटी बैंक एंड एक्सिस बैंक के बारे में। दोनों में एक डील हुई है, उस बारे में हम बात करने वाले। एक्सिस बैंक टू एक्वायर सिटी बैंक्स रिटेल सिटी बैंक इंडिया रिटेल बिजनेस फॉर 1.6 बिलियन उन्होंने एक्वायर कर लिया है। एक्सिस बैंक ने उनका अभी डिक्लेयर किया है 30 मार्च को कि एक्सिस बैंक विल एक्वायर द ग्रुप रिटेल एसेट्स इन इंडिया फॉर एन अमाउंट ऑफ 1.6 बिलियन। 1.6 बिलियन 1.6 बिलियन में उन्होंने रिटेल एसेट्स खरीदे सिटी बैंक के। द एक्सिस सिटी मर्जर वॉज बींग एंटिसिपेटेड सिंस अमेरिकन लेंडिंग जैंट अनाउंस इट एग्जिट फ्रॉम द कंट्री। सिटी बैंक इंडिया से एग्जिट लेने वाली है। उन्होंने अपने एसेट एक्सिस बैंक को बेचे। उस एसेट्स में अभी वो अपने कंज्यूमर के अकाउंट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे अलग अलग उनकी कंडीशंस है। अंडर द अग्रीमेंट आप देख सकते हो अभी उनका क्या अग्रीमेंट है। सिटी ग्रुप विल ट्रांसफर 3600 एम्प्लॉयज टू एक्सिस बैंक अपॉन द कम्प्लीशन ऑफ प्रपोज ट्रांजेक्शन। अभी ये जो भी उन्होंने 1.6 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया है उसमें ये अपने 3600 एम्प्लॉय भी एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने वाले। द प्राइवेट लेंडर इज सेट टू बी ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर मार्केट हावर्स। वो मार्केट हावर्स के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉल करने वाले। और जनवरी 23 टू जून 23 सिटी ग्रुप इंडिया रिटेल ऑपरेशन सेल एक्सक्लूड इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन। अपना इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन भी सेल करने वाले हैं। इस ट्रांजैक्शन में दे विल सेल क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल कस्टमर अकाउंट्स एंड कंज्यूमर लोन। सिटी ग्रुप हैज सेड द ट्रांजैक्शन आल्सो इंक्लूड द सेल ऑफ द कंज्यूमर बिजनेस सिटीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। ये सब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। आप देख सकते हो अभी क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल कस्टमर अकाउंट एंड कंज्यूमर के लोन, ये अलग अलग बिजनेस उन्होंने इनको सेल कर दिया। और एक्सिस बैंक ने अभी अपने में ये मर्ज कर लेंगे तो ऐसे ही इनका अभी मार्केट रीच बढ़ जाएगा। अभी अभी हम आते कंपनी की शेयर प्राइस पे और एक्सिस बैंक का थोड़ा और व्यू लेते। एक्सिस बैंक फॉर्मली नोन एज UTI बैंक इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। आप सभी लोग जानते हैं ये तो बैंक है और ये 2016 से अपना काम स्टार्ट कर चुके। 1993 में ये इन फाउंड हुई है अहमदाबाद में, फर्स्ट ब्रांच थी इनकी। और ये SME लोन, कंज्यूमर लोन, स्मॉल लोन, पर्सनल लोन, ये सभी प्रकार का बिजनेस करती है। और इस न्यूज़ के चलते इस शेयर में आप देख सकते हो अभी 4.64% की अपसाइड दिखाई दे रही है आज के दिन। पिछले 6 महीने में ये शेयर 1.7% डाउन ही दिखाई दे रहा है आपको। इसने 800 को डिसेसिवली क्रॉस किया था, 866 को टच करके ये नीचे 650 को भी टच किया इसने। बाद में थोड़ा सा जंप किया और गिर गया। पिछले 5 सालों में देख सकते हो ऐसे कुछ खास रिटर्न बनाए नहीं है। 53% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए एक्सिस बैंक ने। और पिछले 1.5 साल में ही इसने अपना शेयर होल्डर का पैसा डबल कर दिया है। और आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में ये शेयर 22,222% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए इसने लॉन्ग टर्म में। एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,30,369 करोड़। लार्ज कैप कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, ये अच्छा शेयर है। ये इसका फेस वैल्यू है 2। इसका 52 वीक लो है 626 रुपीज़ और 52 वीक है 866 रुपीज़। अगर इस न्यूज़ की चलते ये शेयर आगे लंबी पारी खेल सकता है और अच्छा खासा भाग भी सकता है। अभी अभी हम आते शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 9.7%। FIIs देखिए 47.44%, 48% के आसपास FIIs है। 30% DIIs है और पब्लिक देखिए 12% पब्लिक है बस, और 9.7% प्रमोटर। ये FIIs ने ज़्यादा कंपनी एक्वायर करके रखी है। प्रमोटर बोर्ड में इसमें FIIs भी होंगे। और अभी हम आते कंपनी के फाइनेंशियल पे। आप रिवेन्यू देख सकते हो कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनुअली इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। आप देख रहे हो इनका ग्राफ कैसे बढ़ रहा है एनुअली। और हम अभी आते कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे ही चल रहा है इनका। 17 में 4,000 करोड़ के आसपास, 18 में 400 करोड़, 19 में 5,000 करोड़ का, और अभी 20 में 1,800 करोड़ का, और अभी 21 में 7,252 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है नेट प्रॉफिट। तो अच्छी खासी जंप की है प्रॉफिट में एक्सिस बैंक ने। ये शेयर आगे भाग सकता है। और अभी इनकी पीयर कंपनियां देख सकते हो, HDFC बैंक मार्केट का दिग्गज है, उसके बाद आता है ICICI बैंक, कोटक बैंक, बाद में 4 नंबर पे होल्ड कर रही है बैंक एक्सिस बैंक। ये बैंक अगर कोटक बैंक को क्रॉस कर सकती है जल्दी ही, अगर ये इनका शेयर प्राइस वगैरह बढ़ता है फास्टली तो। और अभी एक्सिस बैंक का टारगेट दिया है 1,020 रुपीज़।
2023 के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।